तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों कि फराटा फैन के अंदर स्विच की और कैपेसिटर की कनेक्शन हमें जो है किस तरह से करना होता है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मैं बिल्कुल जीरो से बताने वाला हूँ, यानी कि आप मान लीजिए यहाँ पे आपकी वायर खराब हो जाती है या दोस्तों हमारे यहाँ पे वायर टूट जाती है या अगर आप यहाँ पे कैपेसिटर बदलते हो तो यहाँ पे हमारी वायर छूट जाती है तो हमें कौन वायर कहाँ पे कनेक्ट थी या हमारी पंखा नहीं चल रही है तो हमें किस तरह से कनेक्शन होगा, हर एक चीज़ आपको यहाँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। इसी वीडियो से दोस्तों आप हर एक पंखे में कनेक्शन कर सकते हो। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा टाइम देके इस वीडियो को पूरा जोर देख लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर मोटर के ऊपर बात करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम स्विच और कैपेसिटर के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोटर के अंदर से हमारी कितनी वायर निकल के आई है, आप देख सकते हो हमारे मोटर के अंदर से 3 वायर निकल के आई है, किसी किसी में आपको जो है 4 वायर भी निकल के आई होती है। अब दोस्तों वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमारी 4 वायर यहाँ पर कौन सी वायर हमारी किस काम के लिए है, तो आइए आपको मैं वो भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं 3 वायर की बात करता हूँ, 3 वायर इस मोटर से निकल के आई है, एक हमारी रेड है और 2 दोस्तों हमारे यहाँ पे ब्लू है। तो यहाँ पे ये हमारी क्या फंडा है, सबसे पहला नंबर आप इस चीज़ को क्लियर कर लेते हो तो आप आसानी से यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों आपकी पंखा यहाँ पे उल्टी भी घूम सकती है या दोस्तों यहाँ पे नहीं भी घूम सकती है। तो दोस्तों जिस भी मोटर के अंदर से 4 वायर निकल के आती है आइए आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक स्टेटर है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4 वायर की कनेक्शन हमारे किस तरह से रहती है। तो दोस्तों ये हमारी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक हमारी होती है रनिंग वाइंडिंग, यानी कि 2 हमारी वाइंडिंग होती है इसके अंदर। सेम इसी तरह दोस्तों इसके अंदर भी हमारी 2 वाइंडिंग होती है, रनिंग और स्टार्टिंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जहाँ से हमारी वाइंडिंग शुरू होती है एक लीड हमारी वहाँ से निकलती है और जहाँ से हमारी वाइंडिंग खत्म होती है एक लीड हमारी वहाँ से निकलती है, यानी कि टोटल लीड यहाँ पे स्टार्टिंग से हमारी 2 निकलती है। सेम इसी तरह दोस्तों यहाँ पे रनिंग में भी होती है, हमारी जहाँ से वाइंडिंग शुरू होती है एक लीड हमारी वहाँ से निकलती है, जहाँ से हमारी वाइंडिंग खत्म होती है वहाँ से हमारी एक लीड निकलती है। तो यहाँ पे टोटल हमारी 4 वायर इस तरह से होती है, यानी कि 4 लीड पर से हमारी जो एक एक वायर निकल के आती है। तो यहाँ पे आपने देख लिया हमारी किस तरह से होती है। दोस्तों उसमें हमारी क्या होती है कि एक हमारी रनिंग यानी कि एक हमारी इसकी लीड और एक हमारी इसकी लीड दोनों को आपस में जो जोड़ना पड़ता है, यानी कि कॉमन बनाना पड़ता है। बट दोस्तों जिस मोटर के अंदर हमारी 3 वायर निकली रहती है उसमें हमारी किस तरह से रहती है आइए आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर देखिए हमारी एक रेड और 2 हमारे यहाँ पे ग्रीन है, इसमें हमारी क्या हुई है, एक दोस्तों स्टार्टिंग की लीड और एक हमारी रनिंग की लीड दोनों को दोस्तों अंदर में ही ज्वाइंट कर दिया गया है और दोस्तों उस पर हमने जो है लगा दिया है रेड वायर और ये हमारी हो जाती है दोस्तों कॉमन। अब दोस्तों यहाँ पे 2 लीड हमारी बच रही है, एक हमारी स्टार्टिंग की और एक हमारी रनिंग की फिर से, तो उस पर से दोस्तों ये 2 लीड हमारी निकल के आती है। तो इस तरह दोस्तों हमारे यहाँ पे कनेक्शन रहती है इस मोटर के अंदर और इस तरह से हमारी लूप निकलती है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब दोस्तों जिसके अंदर 3 वायर है तो 3 वायर के अंदर दोस्तों हमें यहाँ पे कॉमन यहाँ पे पहचानना होगा, 2 कलर एक साथ हमें देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे कलर अलग अलग भी हो सकती है, यानी कि 2 रेड भी हो सकती है, एक हमारी ब्लैक हो सकती है, या हमारी यहाँ पे 2 ग्रीन हो सकती है, तो यहाँ पे एक हमारी ब्लैक या रेड हो सकती है, इस तरह से हमारी डिफरेंट कलर की हो सकती है। जो 2 सेम आपकी वायर होगी दोस्तों वो आपकी कैपेसिटर की वायर होगी, उसके अपोजिट जो हमारी वायर बचती है एक कलर की वो हमारी कॉमन वायर होती है, उस पर हमारी सप्लाई की वायर कनेक्ट होती है। अब दोस्तों यहाँ पे इतना चीज़ हमारी ये चीज़ तो हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इस टाइप की, यानी कि मान लीजिए आपके यहाँ पे जो है रेड भी है ब्लैक भी है और यहाँ पे ग्रीन भी है, या रेड भी ब्लैक भी और यहाँ पे जो है ब्लू भी है, अगर दोस्तों इस तरह से रहती है तो आपको किस तरह से पहचानना है कि इस तीनों में से हमारी कौन हमारी कॉमन वायर है। तो दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको जो एक टेस्टिंग लैंप की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे इसके मदद से आप आसानी से पता कर सकते हो। अगर आपके पास ये सीरीज टेस्ट लैंप नहीं है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, यानी कि इन स्क्रीन पे, वहाँ से देख लेना और आप आसानी से यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आती है। तो चलिए मैं इसमें सप्लाई देता हूँ और आप देखिए यहाँ पर आपको क्या करनी है। सबसे पहला नंबर आपको जो है किसी भी 2 वायर पर आपको जो है टच करनी है। तो सबसे पहला नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे एक जो है ब्लू पे जो है वायर को कनेक्ट किया हूँ, यहाँ पर देखिए हमारी टेस्टिंग लैंप काम कर रही है और एक मैं रेड पे टच करता हूँ, इस बल्ब को देखिए हमारी कितनी ग्लो कर रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्लू प्लस ब्लू में टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे कम यहाँ पे जो है बल्ब जल रही है। इसके बाद दोस्तों मैं रेड से टच करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ज़्यादा ग्लो कर रही है, और इसके बाद दोस्तों मैं रेड से फिर ब्लू पर टच करता हूँ इस वाली पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा ग्लो कर रही है। दोस्तों यहाँ पर हमें कैपेसिटर की वायर हमारी कौन होगी हमें कैसे पता करना है, अभी आपको हमने सिर्फ चेक करा के दिखाया कि इस पर हमारी कितनी बल्ब ग्लो कर रही है। तो जिस 2 वायर पे सबसे कम बल्ब ग्लो करेगा दोस्तों वो आपकी कैपेसिटर की वायर होगी। 2 हमारी जो ब्लू है दोस्तों इस पर हमारी सबसे कम बल्ब ग्लो कर रही है, आप देख सकते हो इस पर ज़्यादा कर रही है,
इस पर हमारी जो है ज़्यादा कर रही है, आप देख सकते हो। और इस दो ब्लू वायर पे दोस्तों आप देख सकते हो हमारी कम ग्लो कर रही है, यानी कि ये दो हमारी जो वायर है दोस्तों ये हमारी कैपेसिटर की वायर है, इस पर हमारी कैपेसिटर की एक एक वायर कनेक्ट होगी। और इसके अपोजिट जो हमारी वायर बच रही है दोस्तों ये हमारी कॉमन है, इस पर हमारी जो है एक न्यूट्रल की सप्लाई कनेक्ट होने वाली है। इस तरह से दोस्तों आप आसानी से पता कर सकते हो। सबसे पहला नंबर आपको जो है एक मेन लीड लेनी है जो आपके पंखे में लगाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक हमारे पास स्विच है, यहाँ पे देखिए हमारी लिखा जाता है, यहाँ पे M आपको नज़र आएगी, यहाँ पे P नज़र आएगी, यहाँ पे H नज़र आएगी। तो दोस्तों मेन लीड की एक वायर लेनी है और हमें क्या करना है, M जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आपको जो कनेक्ट कर लेनी है इस तरह से। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो एक जो रेड वायर होगी इसे आपको ले लेनी है। इसको दोस्तों आप इस टर्मिनल में चाहे दोस्तों आप इस टर्मिनल में यानी कि दोनों में से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं इस वायर को यहाँ पे लगा देता हूँ। मोटर से हमारी जो वायर निकल के आई है ये हमारी कॉमन वायर है दोस्तों, इसे हमने यहाँ पे जो स्विच पे लगा दिया है। अब हमारी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कैपेसिटर लेनी है। हमारे पास दो वायर बच रही है, दोनों वायर को एक एक वायर से हमें जो कनेक्ट कर लेनी है। इसमें हमारी रनिंग और स्टार्टिंग की वाइंडिंग होती है, दोनों पर हम एक एक वायर को कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर की। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है इसमें से हम किसी एक वायर पर हम कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, जो हमारी मेन लीड की एक वायर बची हुई थी इसको हम जो है इस पर कनेक्ट कर देंगे। दोनों में से किसी एक वायर पे कनेक्ट करेंगे, या हमारी यहाँ पे मोटर दोस्तों या तो उल्टी चलेगी या तो हमारी सीधी चलेगी। उल्टी चलती है दोस्तों हमें क्या करना है, इस वायर को यहाँ से खोल के दोस्तों हम जो इस वायर पे कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे मोटर की डायरेक्शन यानी कि उल्टी होगी तो सीधी हो जाएगी। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ हमारी मोटर की सेट घूमती है। तो यहाँ पर हमने जो है सप्लाई दे दिया है और यहाँ पर देखिए हमारी ये मोटर चल रही है अभी दोस्तों उल्टी। ये हमारी मोटर कुछ इस तरह से चल रही है, यानी कि हमें मोटर को चलाना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे इस पर से मैं वायर को हटा के और इस पर मैं जोड़ देता हूँ दूसरे वाले ब्लू पे। अब यहाँ पे मैं सप्लाई देता हूँ। अब देखिएगा हमारी मोटर इस तरह से घूमेगी। अब दोस्तों हमारी ये कुछ इस तरह से घूम रही है, आप देख सकते हो इस साइड घूम रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो स्विच है ये भी हमारी चालू बंद होगी, आप देख सकते हो हमारी यहाँ पे बंद हो चुकी है, ये हमारी चालू हो गई। स्विच भी दोस्तों हमारे यहाँ पे प्रॉपर काम कर रही है। इस तरह से दोस्तों आप जो फ्राटा फैन मोटर के अंदर स्विच की कनेक्शन और कैपेसिटर की कनेक्शन कर सकते हो। और यहाँ पे कॉमन वायर की पहचान आप नहीं करना जानते हो तो आप यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में आपको जो है स्विच बोर्ड की यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, आप देख के इससे पहचान करके और यहाँ पे जो है कनेक्शन आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये थी हमारी सिंगल स्पीड की कनेक्शन। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप लोगों को मैं डबल स्पीड की भी कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि डबल स्पीड में इस फ्राटा फैन को किस तरह से चलाना होता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को कुछ नया सिखा के गई होगी, सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो और किसी नई फूल के साथ, तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर, बाय।